ओके भाइयों और उनकी बहनों, अपने अपने सीट की कुर्सी बांध लो क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं एकदम तड़कती भड़कती गर्मा गर्म तड़क अपडेट देने वाला हूं। चाय बन चुकी है तो चाय का प्याला उठा लो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, अपने इस केदामा टॉक के 50th एपिसोड के सबसे पहले अपडेट की बात करें वो अपने ग्योंगसोंग क्रिएचर की सीजन 2 से रिलेटेड निकल के आई है एंड सोर्सेज एंड उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका जो सीजन 2 है भाई वो आपको फाइनली सितंबर में देखने को मिलेगा। सीजन 1 काफी अच्छा था, काफी तबाही भी मचाया था। देखते हैं कि सीजन 2 में भाई कितना मजा आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर ये सितंबर में आ रहा है तो अपने को अगस्त यानी कि आने वाले मंथ में क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें भी भाई आपको निराशा नहीं मिलेगी क्योंकि इस मंथ आपको एक ताबड़तोड़ एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री थ्रिलर के ड्रामा देखने को मिलेगा जिसका नाम है द फ्रॉग। एंड भाई साहब, इसका ट्रेलर देखा मैंने, एकदम चुम्मा लेवा। नहीं देखा है तो जाओ भाई इसका ट्रेलर देखो, काफी ताबड़तोड़ है एंड काफी टाइम के बाद मैं किसी नेटफ्लिक्स के ड्रामा के लिए एक्साइटेड हूं। एंड एक्साइटेड होने का एक और रीजन है अपनी गोमिंसी, राइट ना, स्वीट होम। जो ये केड्रामा है आपको एक मिस्टीरियस जर्नी पर ले जाने वाला है नेक्स्ट मंथ एंड ऑफ कोर्स हिंदी में आएगा नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। एक ही बार में सारे एपिसोड आ जाएंगे, वीकी वाला झाम नहीं, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है। ट्रेलर आपने देख लिया, आपको कैसा लगा, एक्साइटेड हो या फिर नहीं, लिख करके जरूर बताना। और कमेंट करने जा रहे हो तो बगल में भाई सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, प्लीज सब्सक्राइब ठोक देना, गरीब का भला हो जाए। गरीब का भला कर दिया तो मैं आपका भला कर देता हूँ। एंड आते हैं अपने थर्ड अपडेट पर, बिजनेस प्रपोजल का जो रीमेक है जिस पर मैंने आपको भाई काफी टाइम पहले ही अपडेट दी थी इसके राइट्स को एक्वायर्ड किया गया था, तो फाइनली भाई न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि इसकी जो शूटिंग का वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया एंड न्यूज के अकॉर्डिंग ही इसका जो पहला सीजन है आपको इस साल एंड तक देखने को मिल सकता है अगर पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क खत्म हुआ। अदरवाइज 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में मोस्टली चांस है कि आपको G5 के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। अब एक्टर एक्ट्रेसेस आप जो भी होंगे, अभी तक तो ज्यादा कुछ डिटेल्स उन पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बताओ कि आपको क्या लगता है वाला जो करिश्मा जो चार्म था बिजनेस प्रोपोजल का इंडियन एडाप्टेशन में क्रिएट हो पाएगा या फिर नहीं, लिख करके जरूर बताना। रीमेक की ही बात हो रही होगी तो आपको पता चली हुआ होगा कि एक और कोरियन ड्रामा का जो रीमेक है वो G5 के प्लेटफॉर्म पर आपको 9 अगस्त को देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है 11/11 जो कि एक ऑफिशियल रीमेक है सिग्नल के ड्रामा का। एंड भाई करंटली भाई मैं उसको देख रहा हूं, जैसे ही खत्म कर लूंगा अगर आप चाहते होगे तो मैं उसका एक रिव्यू कर दूंगा, मतलब पहले सीजन का। बाकी अभी मैंने 5 से 6 5.5 कह सकते हो एपिसोड देखे हैं, भाई मजा आ रहा है देखने में। 11/11 भी उसी लेवल पर बना होगा, भाई हो सकता है ये सीरीज जो आने वाली है G5 पर ये आग लगा सकती है क्योंकि इसके कंटेंट में दम है। लेकिन इस रीमेक वाली चीजों को साइड में रखकर अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो देखो भाई, अगर आप बेसुजी के फैन हो एंड अगर आपने उनको भी वंडरलैंड में एंजॉय किया होगा, तो उनकी भाई एक नई फिल्म आने जा रही है जो कि एक वेबटून से अडॉप्ट की गई जिसमें भाई आपको एक वैम्पायर की जर्नी देखने को मिलेगी। यहां पर भाई इस पिक्चर का नाम होने वाला है डिल्यूजन। अभी भाई इसके प्री प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है एंड न्यूज ऐसी है कि 2025 के सेकंड क्वार्टर में आपको ये पिक्चर पहले कोरियन थिएटर में, देन हो सकता है कि प्राइम वीडियो पर हिंदी डब लैंग्वेज में आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। अगर अपने नेक्स्ट अपडेट पे आए तो अगर आपको याद होगा तो मैंने काफी टाइम पहले मैंने आपको ड्रामा की अपडेट दी थी जिसमें अपनी सॉन्ग है क्यों यानी कि द ग्लोरी वाली एंड जो अपनी एक्ट्रेस है माय नेम वाली हांसोही, वो दोनों एक के ड्रामा में देखने को मिलने वाली थी जिसका नाम होने वाला था द प्राइस ऑफ कन्फेशन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये दोनों भाई इस के ड्रामा से अलग हो गए थे। उसके बाद ये जो के ड्रामा है डस्टबिन में जाने ही वाला था नेटफ्लिक्स के अंडर, बट थैंक्स टू अदर डायरेक्टर जिन्होंने इसको कैच किया एंड कैच करने के बाद भाई फाइनली इसकी कास्टिंग वगैरह उन्होंने डन कर दिया है जिसमें भाई आपको काफी टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिला है जिसमें मैं पर्सनली देखने के लिए एक्साइटेड हूं अपने पार्क हिस्सों को। मतलब मोटा मोटा जो ये के ड्रामा है भाई फाइनली प्रोडक्शन में जाने वाला है एंड इसी साल सितंबर के अराउंड इसकी फिल्मिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेम टाइटल होने वाला है द प्राइस ऑफ कन्फेशन एंड मोटा मोटा 2025 में आपको ये केड्रामा हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है, साथ साथ बिग बजट है, मतलब नेटफ्लिक्स ने अच्छा खासा इस पर पैसा फूंका है। तो नेक्स्ट ईयर तैयार हो, आपको एक काफी ताबड़तोड़ एक्शन थ्रिलर केड्रामा देखने को मिलेगा अपने पाक हिस्सों का। एक अपडेट की बात करें तो जॉम्बी वर्स का जो सीजन 2 है आपको भाई नवंबर में देखने को मिलेगा एंड उसी टाइम हो सकता है कि आपको इसका सीजन 1 का जो हिंदी डब है वो भी देखने को मिले। भाई अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो काफी बड़ी है क्योंकि प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर आपको अक्टूबर में एक काफी बड़ा जापानी ड्रामा देखने को मिलेगा जिसका नाम है भाई लाइक ए ड्रैगन यकूजा। इसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं एंड न्यूज़ के अकॉर्डिंग 24 तारीख को आपको 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग 3 एपिसोड होंगे वो आपको सेकंड वीक ऑफ नवंबर में देखने को मिलेंगे। ये जो जापानी ड्रामा है काफी बड़ा होने वाला है एंड अभी से भाई इसकी जो प्रमोशन वगैरह है वो जापान में स्टार्ट कर दी गई है प्राइम वीडियो के थ्रू, मतलब समझ रहे हो ना, बड़े लेवल पर इसको प्रमोट किया जा रहा है एंड हो सकता है कि भाई इसके माल में भी काफी दम हो क्योंकि जो चीजें अभी से रिलेटेड निकल के आई हैं, पोस्टर हुआ, छड़ावट
टीजर ग्लिम्स वगैरह वो काफी ताबड़तोड़ लग रहा है। बाकी देखते हैं जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस सेटर में कुछ और भी डिटेल्स हैं जो कि अपने टेलीग्राम में ग्रुप में डाल के रखी हुई, तो अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। देखो भाई, आई नो कि आप लोग ऑल ऑफ अस हैड डेट के सीजन 2 का वेट कर रहे हो, अभी तक उस रिलेटेड कुछ भी ऑफिशियल निकल के नहीं आया, बट एक न्यूज निकल के आई है, बट वो ऑल ऑफ अस हैड डेट के सीजन 2 की नहीं है, उसके राइटर मतलब जिन्होंने उसकी कहानी लिखी थी उनको लेकर के निकल के आई है। आई मीन नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने धोखा दे दिया कि भैया तुम ऑल ऑफ अस हैड डेट पर काम करो चाहे ना करो, बट हम लोग एक नए किरदार में वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है मर्की वाटर। इसकी भाई जो कहानी का वर्क उन्होंने खत्म कर दिया है, इवन इस केडामा का जो कास्टिंग का वर्क है वो भी खत्म हो गया, जिसमें आपको रोवून जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। एंड भाई ये जो के ड्रामा है इसकी फिल्मिंग का वर्क स्टार्ट होने जा रहा है, एंड जान सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, ये के ड्रामा आपको नेक्स्ट ईयर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। प्लस ऑल ऑफ अस हैड डेट के राइटर्स ने धोखा दिया है नेटफ्लिक्स वालों को, इधर दामन थाम लिया है हॉटस्टार का, समझ रहे हो। एक हिंदी डब अपडेट देता हूँ, मॉन्स्टर बॉय नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, इसके हिंदी डब के जो राइट्स उसको बाय कर लिया गया है इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, एंड बहुत जल्दी पिक्चर जो है आपको प्राइम वीडियो से लेकर के जियो सिनेमा तक किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये सारी की सारी अपडेट थी जिनको आज के इस वीडियो में आपको कवर करके बता दिया। भाई बहुत सारा पसीना निकल गया है क्योंकि आजकल वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई नए घर में हूँ एंड अभी यहाँ पर कुछ पंखा वगैरह का ज्यादा जुगाड़ नहीं हो पाया। एनीवे, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को कम से कम भाई अचक के लाइक करना, शेयर कर देना, अगर आपको अपडेट्स वगैरह पसंद आए जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलता हूं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।